माय यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इरेज खान। आज के लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जनाब, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल P.E=mgh। M का जो डायमेंशन सिंबल है आपको पता होगा, मालूम हो गया है, M=M। ये प्रैक्टिस कर करके मालूम होता है। और h जो है कोई लेंथ है, मीटर में होती है, हाइट है। h जो है वो हाइट है, हाइट की यूनिट मीटर में, और मीटर का हमेशा डायमेंशन सिंबल कैपिटल M होता है। ठीक है जनाब, ए ओ या जी ओ, ग्रेविटेशन ए और एन जी, ये देखें ए इज इक्वल टू जी के बराबर होता है। तो इतना मालूम होना चाहिए कि हमने इनिशियल स्टार्ट में एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैलकुलेट की थी, और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन थी वो ए इज इक्वल टू एल टी माइनस टू आई थी। ठीक है जनाब, एल टी माइनस टू आई। तो आप देखें एम की जगह कैपिटल एम आ गया, जी की जगह देखें सेकेंड है जी, जी बराबर है एल टी माइनस टू, उसकी जगह एल टी माइनस टू आ गया, या दिया है लास्ट में एच, एच की जगह एल आ गया। ठीक है भाई, अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एम का तो एम ही आ जाएगा, ये हमारे पास एम आ गया जनाब, ये एक एल ये आ गया है। एक मिनट वेट कर लें थोड़ा सा, ये देखें एक एल हमारा ये आ रहा है, दूसरा एल ये आ रहा है, बेस सेम पावर है, तो एल एक दफ़ा लिख देंगे और वन प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, टू होता है वन प्लस वन, एल स्क्वायर, लास्ट में क्या टी माइनस टू, तो ये हमारा आ गया टी माइनस टू। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी भाई? वो बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरेज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।